हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आपके आईफोन में भी आईफोन स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, जबकि आपके फ़ोन में वीडियो फ़ोटोज़ इतनी नहीं है, ना ही कोई गेम्स या ऐप है, लेकिन उसके बावजूद भी आपके फ़ोन का स्टोरेज कम्प्लीटली भरा हुआ है, तो आपको इसको कैसे डिलीट करना है बिना आपके डाटा डिलीट हुए। दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है आपके सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से जनरल में जाना और यहाँ से जाना आईफोन स्टोरेज पे। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हो आपका फ़ोन जो ज़्यादातर कौन से आपका स्टोरेज यूज हो रहा है। सबसे पहले फ़ोटोज़ में आपको जाना, अब व्हाट्सअप पे यहाँ 3 GB का डाटा जो यूज हो रहा है, वो यहाँ पर एलिजिबल ऐसे हो रहा है कि आपकी कोई ने फ़ोटो व्हाट्सअप पे भेजा होगा, कभी डिलीट किया होगा, कोई फाइल होगी। आपको यहाँ से करना क्या है, इसको एक बार आपको ऑफलोड ऐप पे क्लिक कर देना है। ऑफलोड ऐप पे क्लिक करने के बाद प्ले, आपको जो ऐप स्टोर है उस पे जाके वापस इंस्टॉल कर लेना है। ऐसे ही आपको सारे ऐप जो जो आपके मेन यूजुअली काम नहीं आ रहे, उन ऐप की यहाँ पे स्टोरेज को आपको हटा देना है। जैसे यूट्यूब है, टेलीग्राम है, यूट्यूब से 406 MB का है, अब जो हो सकता है कोई वीडियो डाउनलोड पे लग गई हो, ऐसे इंस्टाग्राम है, पिक्सआर्ट है, अब आपका जो भी कोई ऐप जो काम नहीं आ रहा है, उस ऐप को यहाँ पे आपको डाटा और कैश डिलीट कर देना है। तो आपका जो आईफोन है उसका जो डाटा है वो यहाँ पर आपका सेफ रहेगा और आपके ये फ़ोन की मेमोरी भरेगी नहीं। और दोस्तों, आपको एक काम और कर लेना है, इसके नीचे बैकग्राउंड ऐप का ऑप्शन आ रहा है, इन सभी को आपको ऑफ कर देना है ताकि बेवजह का डाटा आपका